महज 20 साल की उम्र में ही एक्टिंग के साथ ही एडिटिंग जैसी क्रिएटिव काम को बाखूबी तरीके से अंजाम देने वाले अभिषेक श्रीवास्तव आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा का यह उभरता हुआ सितारा आज यानी 6 जुलाई को अपना 20वां जन्मदिन मना रहा है। टीनेज में ही अभिषेक ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली है। अभिषेक ने हाल ही में तेरे बिन लादेन 2 में बतौर असिस्टेंट एडिटर रहते हुए इस फिल्म के लिए काम किया है। इसके अलावा अभिषेक भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के साथ ही टीवी सीरियल्स के भी एडिटिंग के काम को कर रहे हैं। वाकई अपने अंदर एक्टिंग का हुनर रखने वाली अभिषेक मौका मिलने पर एडिटिंग को भी पूरे मन के साथ करते हैं। अभिषेक के परिवार के बारे में बात करें तो उनके पिता अनिल श्रीवास्तव गोरखपुर में ठेकेदार रहे हैं। इसके साथ ही वो भोजपुरी सिनेमा की प्रोडक्शन कंपनी सदगुरु म्यूजिक एंड फिल्म्स के मालिक भी थे। जब अभिषेक ने 2012 में 12वीं पास की तो मुंबई में अपने पापा के पास फिल्मी दुनिया में एंट्री लेने चले गए, मगर इसे अभिषेक का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि उनके पिता का सहारा उनसे इसी साल जनवरी में छिन गया। पिता के निधन के बाद अचानक अभिषेक पर अपनी माँ और छोटी बहनों की जिम्मेदारी आ गई। इतनी छोटी उम्र में फिल्मी दुनिया में करियर बनाना आसान नहीं था, तो उन्होंने मेडिकल स्टोर पर 3,000 रुपये महीने की जॉब करते हुए एडिटिंग भी सीखी। यहाँ बताते चलें कि 2013 में अभिषेक के पिता ने किस मी सावरिया नाम की भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूस की और इसी फिल्म के जरिए उन्होंने अभिषेक को बतौर एक्टर पहला ब्रेक भी दिया। पहला ब्रेक भी 2013 में ही अभिषेक ने लहकत आगी नाम की भोजपुरी फिल्म में एक्टिंग करके साथ ही एडिटिंग में भी हाथ आजमाए। हाल फिलहाल में अभिषेक को बॉलीवुड फिल्म जज्बा में भी एडिटिंग एजाज मेमन को असिस्ट करने का मौका मिला। वैसे इन दोनों अभिषेक मनोज आर पांडे की अभिनीत बॉलीवुड फिल्म विष्णु पंडित की एडिटिंग करने में बिजी हैं। इसी फादर्स डे पर अभिषेक ने अपने पिता को समर्पित करते हुए भजले साई का नाम एल्बम यूट्यूब पर अपलोड किया था, जिसको काफ़ी सराहना मिली। खैर, इन दोनों एक्टिंग से दूर अभिषेक अभी अपने पैर जमाने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।